क्वेटा ग्लैडिएटर्स का दोस्तों एक बॉलर था हसन खान। था क्या मतलब है, आपको याद होगा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, ठीक है, बैटिंग बुटिंग भी कर लेता था और ये लड़के में टैलेंट भी था, पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत फर्स्ट क्लास भी खेली हुई है, लिस्ट ए भी खेली हुई है। और सरकार वो उसके बारे में ना विविन रिचर्ड्स ने, जो कि मेंटोर थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, उन्होंने कहा था कि ये लड़का पाकिस्तान का फ्यूचर है। इस लड़के को, हसन को, उन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर कहा था। सर पाकिस्तान का फ्यूचर इमिग्रेशन मेरा ख्याल है शायद करा कर निकल गया US, वो भी अब जाकर MCL खेल रहा है, वो भी US की जिसे कहते हैं ना उनके कागज़ों में उनका प्लेयर हो गया, क्योंकि अभी मैं देख रहा था तो उसके पाकिस्तान नहीं, उसके लिखा हुआ था US नेशनल, ठीक है, USA बॉलर। तो ये मतलब इसकी इमिग्रेशन वेशन हो गई है, ये ना मुड़ा पाकिस्तान वापस। 15 फर्स्ट क्लास मैचेस, 31 विकेट्स, 3/27 इसका बेस्ट, ठीक, 35 की जिसे कहते हैं बॉलिंग एवरेज। लिस्ट ए में 51 मैचेस, 44 विकेट्स, 4/15 बेस्ट, 44 की बॉलिंग एवरेज, 5.25 की इकोनॉमी। T20 सबसे ज़्यादा खेले 64 मैचेस, इसने अच्छे खासे मैचेस खेले हैं, ठीक है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और बाकी कुछ फ्रेंचाइजीज की तरफ से। 64 मैचेस, 36 विकेट्स, 3/21 बेस्ट, 34 की जिसे कहते हैं बॉलिंग एवरेज, 7.51 की इकॉनमी। स्पिनर होकर 7.5 की इकॉनमी इज़ नॉट बैड एट ऑल। अच्छा, स्ट्राइक रेट 27.7, ठीक है, आप कह सकते हैं थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, वो भी मैनेज किया जा सकता था। लेकिन अब वो भाईजान आपके लिए वो खेल रहे हैं सैन फ्रांसिस्को की जो टीम है ना, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, उनके साथ। मेरा ख्याल है ये वही टीम है जिसका जो कोच है ना वो अपना शेन वॉटसन है, आई थिंक सो, ये वही टीम है। और अभी पिछले दिनों इनका मैच हुआ है ना यूनिकॉर्न्स का मुंबई इंडियंस के साथ, न्यूयॉर्क मुंबई इंडियंस, जिसमें माशाल्लाह हारिस रऊफ भाई हमारे ने बड़ी जिसे कहते हैं कामयाबी के साथ, दलेरी के साथ और पुख्ता दिल पुख्ता अजम के साथ 20 रन डिफेंड किए उस ओवर में, लास्ट ओवर में। आपको याद ही होगा 4 रन से मैच जीते ये अपना यूनिकॉर्न्स, 4 रन से मैच जीते, 2 छक्के पेल गया था वो रिचर्ड्स हारिस रऊफ को, दोनों लंबे छक्के, बस वो बेचारा लास्ट बॉल के ऊपर चबल ना मारता तो तीसरा बॉल भी जो लास्ट बॉल था ओवर का मैच का वो रिचर्ड्स की आर्क में था, वो रिवर्स स्वीप खेलने चला गया, या पैडल स्वीप, रिवर्स पैडल स्वीप, जो भी आप उसको कह दो, वो बेवकूफ़ आदमी वो खेलने चला गया, सीधी शॉट खेलता, एक और उसने छक्का चौका लगा जाना था उस गेंद के ऊपर, पक्का मैच जीत जाते। हारिस भाई की सारी मेहनत जो है वो उसके घोड़े लग जाते, इतनी मेहनत से उन्होंने 20 रन डिफेंड करने थे, लेकिन वो बस फिर नहीं हुआ ना, किस्मत हारिस रऊफ के साथ थी उस मैच में। इस लड़के ने, हसन ने, पहले बैटिंग करते हुए 44 रन किए हैं, ठीक है, 44 रन किए 35 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके और 2 छक्के, 125 का स्ट्राइक रेट, ये सेकंड बेस्ट स्कोर है इसकी पूरी टीम में, ठीक है, हसन का, क्योंकि पहले नंबर के ऊपर जो स्कोर है ना वो उसका यार इनके कोरे एंडरसन का, कैप्टन का, उसने 59 किए 37 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 2 छक्के, उसके अलावा और कोई आपको स्कोर नहीं मिलेगा जिसके बारे में आप कहें कि ये कोई अच्छा स्कोर है ना, 1-13 1-14 ना ना, ये 2 ही स्कोर हैं, 59 कोरे एंडरसन के, 44 हसन के। अच्छा, हसन ने जो बॉलिंग की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हसन ने सर 2 ओवर किए, 9 रन दिए, 4.5 की इकॉनमी, 8 डॉट बॉल्स, 1 विकेट भी निकाली। हसन T20 का ना जिसे कहते हैं गोला किस्म का बॉलर था उसकी, मैंने देखा है उसको PSL में। यार जाहिर बात है जब आप किसी भी जगह पर क्रिकेट खेल रहे हो ना, किसी क्लब क्रिकेट में खेल रहे हो, किसी डोमेस्टिक क्रिकेट की टीम में खेल रहे हो, किसी इंटरनेशनल लेवल की नेशनल टीम में खेल रहे हो, या कहीं पर लीग क्रिकेट खेल रहे हो, सर आपकी किस्मत जो है ना वो बड़ा मैटर करती है। और हसन मुझे कई दफ़ा नज़र आता था ये अनलकी रह रहा है, बॉलिंग बड़ी अच्छी करता था लेकिन बस अनलकी। ऊपर से जो सीधी सी बात है कि जब आप अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, अब ये कोई कम जिसे कहते हैं अच्छी बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं है, 7.5 की इकॉनमी के साथ आपने अच्छी खासी जिसे कहते हैं नंबर ऑफ विकेट्स निकाली हुई हैं, तो उसमें फिर आप मैचेस देखें 64 पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर उसने ज़्यादातर मैचेस खेले हुए हैं, उसमें 36 उसने विकेटें ली हैं। स्पिनर के लिए तो पिच का बड़ा मसला होता है ना, पाकिस्तानी स्पिनर के लिए, पाकिस्तान में उसको फटा विकेटें मिलती हैं उन पर मुश्किल, जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर तो आपको, अब इंग्लैंड में क्या स्पिनर किसी ने की तरह खास चल रहे हैं, इंग्लैंड में अगर कोई स्पिनर पैदा हो जाए तो फिर जिसे कहते हैं वो कुदरत की तरफ से मौजा ही होता है, ग्रैम स्वान फॉर दैट मैटर। उसके अलावा कौन इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका स्पिनर था, कौन आपको नहीं नज़र आता, ग्रैम स्वान ही एक है,
तो वो इस लड़के के साथ ना मुझे जो लगता है वो थोड़ी सी बैड लक ये हुई कि एक तो इसकी जैसे कहते हैं किस्मत विकेट्स नहीं सही उस लेवल की डिलीवर कर सका जिस लेवल की ये कर सकता था, क्योंकि चले मेरी आपकी तो बात छोड़े ना, हमें क्या पता, हम तो फुद्दू पैसेंजर है। सर विवियन रिचर्ड्स तो बहुत बड़ा नाम है ना क्रिकेट का, उसने कहा था कि लड़का पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर जाकर बैठ गया है यूएसए में, वो यूएस का नेशनल भी हो गया, वो यूएसए का फ्यूचर बन गया, वो यूएसए की तरफ से अब खेल रहा होगा और यूएस में आपको हो सकता है कि ये आपको आगे उनकी टी ट्वेंटी टीम में नजर आए, क्योंकि उनकी टी ट्वेंटी टीम में ज़्यादातर हैं ही माइग्रेंट्स, नटराबलकर माइग्रेंट, वो यार कोरे एंडरसन वो माइग्रेंट, अच्छा उसके अलावा इनके जो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है दो शायद इनके नेटिव हैं यूएस की टीम में जो खेली है वर्ल्ड टी ट्वेंटी ये 2024 का, उसमें सारे दो या तीन नेटिव हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, बाकी सारे माइग्रेंट्स हैं। ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी आ सकता है भाई, वो अपना जो चांद है वो भी तो लगा हुआ ट्राई करने हैं, उसका भी चांस बनता है, वो भी इसीलिए ट्राई कर रहे हैं। तो यार ये अब हमारी, मैं फिर वही बात करूँगा कि हमारी क्रिकेट में बस वो यही होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज निकालो। यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज निकालना आसान काम थोड़ी है, बात वही है कि फिर 25 करोड़ लोगों में से आपने कितना की टैलेंट निकाल दिया और जिस रॉ टैलेंट को आपने निकाला उसको सीधा आपने भट्टी में झोंक दिया। आप देख लो उनकी हालत, एक फॉर्मेट के सारे बॉलर बन के रह गए हैं, सारे एक फॉर्मेट के बॉलर बन के रह गए हैं, किसी को क्या गिला करना, क्या हारिस, क्या शाइन, क्या कोई और, आप जाकर देख लें एक नसीम है जो आपको हर फॉर्मेट में जान मारता हुआ नज़र आता है, बाकी सारे तो जिसे कहते हैं फुद्दू पैसेंजर काम हो गया। तो इसमें फिर आप बताओ कि पाकिस्तान की बॉलिंग क्या ही जिसे कहते हैं चमत्कार लेकर आएगी। मैं चलता हूँ यार, तबीयत भी ख़राब है, बुखार भी है, हो गई जितना भी करना था जिसे कहते हैं रंटिंग, अब मेरा ख्याल है चल करना कमर सीधी की जाए, दुआ करना सेहत के लिए, ठीक है ना भाई, जल्द वापस आए ताकि आकर ज़रा तुम लोगों का मनोरंजन किया जाए, तो दुआओं में याद रखना। चलो ओके, पीस आउट।